Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CM Manoj Gupta and you are watching All About Taxes. जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी न्यू रिटर्न्स के फॉर्मेट पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल करा दिए हैं, तब से लोगों के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि कब उन्हें GSTR-3B फाइल करने से छुटकारा मिलेगा और कब वह जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, GSTR-3B एक समरी रिटर्न है जो कि आपको मंथली बेसिस पर फाइल करनी होती है, और जो जीएसटी में न्यू रिटर्न्स का सिस्टम रहेगा उसमें GSTR-3B आपको फाइल नहीं करनी होगी। दैट मीन्स आपको कोई भी मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी, वहां पर आपको सिर्फ मंथली टैक्स की पेमेंट करनी होगी। जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वह क्वार्टरली रहेगी। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि कब मिलेगा GSTR-3B फाइल करने से छुटकारा, तो इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है 34/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसमें कहा गया है कि आपको मार्च 2019 तक GSTR-3B फाइल करनी होगी। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको मार्च 2019 तक GSTR-3B से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो जो GST में न्यू रिटर्न्स का सिस्टम रहेगा वह भी मार्च 2019 के बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 34/2018 के अकॉर्डिंग द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय स्पेसिफाइज दैट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR-3B ऑफ द सेड रूल्स फॉर ईच ऑफ द मंथ्स फ्रॉम जुलाई 2018 टू मार्च 2019 शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है जुलाई 2018 से लेकर मार्च 2019 तक आपको मंथली GSTR-3B फाइल करनी होगी और उसकी ड्यू डेट रहेगी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो कि प्रेजेंटली सिस्टम में भी अगले महीने की 20 तारीख तक हम फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग सोच रहे हैं कि GSTR-3B से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए मार्च 2019 तक GSTR-3B से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके साथ ही कहा गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर फॉर्म GSTR-3B एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR-3B ऑफ द सेड रूल्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द सेड एक्ट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द सेड एक्ट by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger as the case may be not later than the last date as specified in the first paragraph on which he is required to furnish the said return। यहाँ पर साथ ही यह भी specify कर दिया गया है कि अगर आपकी कोई भी tax payment करने की liability है या फिर कोई interest penalty fees या फिर कोई any other sum आपको pay करना है, तो in that case आपको यह payment जो भी लास्ट डेट स्पेसिफाई की गई है उससे पहले पे करना है। जैसा कि यहाँ पर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको GSTR-3B फाइल करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ही आपको अपनी सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कहूँ GSTR-3B में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे आपको पहले मंथली फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, अब भी उसी तरह मंथली फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। साथ ही पहले भी आप 20 तारीख तक फाइल करते थे, अब भी आप अगले महीने की 20 तारीख तक GSTR-3B फाइल करेंगे। पहले भी आप जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज होती थी वह एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR-3B डिस्चार्ज करते थे, अब भी वह आप GSTR-3B फाइल करते हुए डिस्चार्ज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर सीधा सा देखा जाए तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको मार्च 2019 तक GSTR-3B से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा GST अपडेट्स और इनकम टैक्स अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचा सकें।